हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज द वीडियो ऑल अबाउट एफईए लेसन 124 एंड टॉपिक नेम इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टू। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रेजेंट टू, ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव टू गो पार्ट ए। कंटिन्यूअस प्रेजेंट यूज्ड एक्सप्रेस एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, हैपनिंग नाउ। ओके सो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस आप क्या समझते हैं? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस जो इसमें हमारा जो होता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है और जो हैपनिंग हो रहा है जैसे कि मैं आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें चल रहा है ये हमारा कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है और आपका ये प्रेजेंट में ही रहता है। मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और ही के साथ आपको इसमें क्या होता है, ही के साथ आपको इज लगाना पड़ता है और आई के साथ आई एम आपको लगाना पड़ता है और ही सी इट के साथ आपको इज लगाना पड़ता है और दे हुआ यू हुआ वहाँ पर आपको आर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ ऐसे ही आपको मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है। इसके बारे में अभी और बता रहा हूँ, पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, दिया है यहाँ पर कुछ रूल्स दिया है कहाँ हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। यहाँ पर कुछ रूल दिया है तो हम देखेंगे। एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जैसे कोई एक्शन हैपनिंग राइट नाउ हो रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, आई एम लर्निंग, दैट इज एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ। तो ये आपको क्या हुआ, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू आर लर्निंग अबाउट टेंसेस, आप टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। एक करेंट, अगला देखते हैं, दूसरा दिया है एक करेंट ट्रेंड। करंट ट्रेंड जहाँ रहेगा वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक करंट ट्रेंड जैसे दोस्तों आप कर सकते हैं, जैसे एक करंट ट्रेंड में जैसे कोई आपका रील वायरल या कुछ भी जो करंट में हो रहा हो, वायरल हो रहा है कुछ भी करंट ट्रेंड जो हुआ है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे देख लेते हैं, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब बिकम कर रहे हैं वेजिटेरियन। ठीक है, ऊपर वेजिटेरियन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनका हेल्थ वेजिटेरियन से ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तो आप कोई ट्रेंड जैसे चल रहा वहाँ भी आप यू कैन यूज इट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर कहाँ यूज किया गया है, आर देखेंगे और बिकमिंग में देखिए आई एन जी जुड़ा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कहें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहें एक ही है। ठीक है, अगला देखते हैं, एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर दिस हैज ऑलरेडी बीन प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड, एन एक्शन इवेंट फॉर फ्यूचर। जैसे कि आप कोई एक्शन इवेंट कोई फ्यूचर में आप बनाना चाहते हैं और वो ऑलरेडी फिक्स है, प्लान्ड है, प्रिपेयर्ड है, तो वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है आई एम मीटिंग माई ब्रदर नेक्स्ट मंथ, तो मैं जो है मैं मीटिंग करूँगा अपने ब्रदर का नेक्स्ट मंथ। तो अगर वहाँ आप मतलब कोई एक्शन को फिक्स कर लिए हैं और फ्यूचर में करने वाले हैं तो प्रिपेयर्ड है उसके लिए, तो वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आई एम मीटिंग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके सो दोस्तों देख लेते हैं अगला क्या है, ए डिस्क्राइब टू टेम्पररी टेम्पररी इवेंट। ओके टेम्पररी इवेंट और सिचुएशन, इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर बट इज स्टिल रेनिंग। जैसे कि आपको मतलब कोई भी जैसे टेम्पररी इवेंट है और वो मतलब चल ही रहा है। ठीक है, कोई घटना हुआ है वो चल ही रहा है, वहाँ भी वी आर कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे यहाँ इट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर बट स्टिल रेनिंग, तो यहाँ पर रेनिंग जो है आप यहाँ पूरा मिला के जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। ठीक है, ऑलवेज फॉर वर्क कॉन्स्टेंटली के साथ भी आप कर सकते हैं, जैसे यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट वर्क, यहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वी हैव टू गो पार्ट बी। ओके फ्रेंड्स, सो एडिंग आई एन जी टू द वर्ब, सो जस्ट एडिंग आई एन जी इन एट द एंड ऑफ एक्शन वर्ड। जैसे कि कुछ एक्शन वर्ड है ना, जैसे कि प्ले, क्लाइम, जंप, ये कुक, लुक, कुक एंड लॉट्स ऑफ जंप एक्शन वर्ड्स हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसमें आप आई एन जी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आई एन जी जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको वर्ब में आपको आई एन जी जोड़ना पड़ता है, एडिंग वर्ब, एडिंग आई एन जी इन द वर्ब, वर्ब में आपको आई एन जी जोड़ेंगे तभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, तभी आपको चीज़ें चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ रूल में आई एन जी जोड़ा गया, देखिए प्लेइंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, लुकिंग, यहाँ पर आप आई एन जी जोड़ देंगे, जैसे प्लेइंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, जंपिंग हो गया और लुकिंग हो गया। जिसका आपको सेंटेंस भी बनाना है तो आप कर सकते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम दूसरा है क्लाइंब, आई एम क्लाइंग क्लाइंबिंग ऑन ट्री, आई एम जंपिंग ऑन माई बेड, आई एम लुकिंग गुड टीचर, आई एम लुकिंग फॉर गुड जॉब, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड में आई एन जी लगाना है और सेंटेंस बनाना है, तो ऐसे आप बना लेंगे सेंटेंस। आई होप मैंने आपको बता दिया। और रूल टू देख लेते हैं दोस्तों, रूल टू क्या है,
वी हैव टू बी रीड इट आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स ओके इफ द लेटर्स ऑफ एक्शन वर्ड्स ओके इफ द लेटर्स आर एक्शन वर्ड सो इन द सिक्वेंस ऑफ द इन द सिक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट स्ट्रेस्ड वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डबल डबल लास्ट लेटर आई एन जी डबल द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आई एन जी एंड द एक्शन वर्ड लाइक जैसे कि आपको कुछ वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया है रनिंग ठीक है रन तो ये जो है रनिंग जो है आप देखेंगे दोस्तों ये आपका क्या है कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट समझते हैं जो कॉन्सोनेंट ये होता है दोस्तों जो मतलब ए आई ओ को छोड़ के शेष हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं ये आपका कॉन्सोनेंट है इस फॉर्म में उसके बाद वॉवल अगर आ जाए फिर कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप वहाँ पर क्या यूज करेंगे जानते हैं तो वहाँ पर जैसे रनिंग है तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला लेटर है इसको एक और ले लेंगे ठीक है दो लेटर है इसको जोड़ लें डबल लेटर लास्ट वाले उसके बाद आई एन जी जोड़ेंगे तो ये रनिंग हो गया जैसे सिटिंग था तो सिटिंग में भी आप यस आई टी डबल टी आई एन जी होगा तो ऐसे तरीके से आप वहाँ पर कर सकते हैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिया है समीर वॉज स्पीडिंग यहाँ पर देखिए डबल ई है तो ऐसे तरीके से बनाया गया है तो ऐसे भी आप वहाँ पर भी आई एन जी जो लास्ट लेटर है उसको डबल कर देंगे और उसके बाद आप एन जी लगा देंगे ठीक है आई एन जी लगा देंगे दोस्तों ऐसे आप कर लेंगे दोस्तों आई होप रनिंग आई एन अब यहाँ पर रनिंग में आप करना है ठीक है देखिए रनिंग में आप डबल एन जी आर यू एन उसके बाद फिर डबल एन करेंगे आर यू एन डबल एन आई एन जी ठीक है रनिंग सिटिंग यस आई टी यस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग प्लानिंग गेटिंग ठीक है सेंटेंस बना दीजिए आई एम रनिंग इन द गार्डन आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर आई एम प्लानिंग टू बिकम आई एम प्लानिंग टू बिकम आई एस आई एम गेटिंग लेट ऐसे आप कर सकते हैं दोस्तों तो ऐसे ही आपको वहाँ पर बनाना है दोस्तों बनाने देंगे आई होप तो आसान है दोस्तों क्योंकि रूल्स है उसको फॉलो करिए उसके बाद आई एन जी लगाइए तो आसान हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप बचपन में ही पढ़े होंगे तो बहुत आसान होता है ठीक है रूल थ्री देख लेते हैं इफ द लेटर्स ऑफ द एक्शन वर्ड्स आर द सिक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस ई ड्रॉप इन द ई ड्रॉप आपको ई को ड्रॉप कर देना और एड आई एन जी ठीक है सो लाइक जैसे कि यहाँ पर कमिंग है कमिंग में लास्ट में जो है कम सी ओ एम ई है ना तो ई को आपको जैसे कि इसमें क्या दिया था अगर वाबेल है तो जो है सी ओ जो था इसमें आपका वाबेल था एम जो था कॉन्सोनेंट था उसके बाद आपका ई आ गया वाबेल कॉन्सोनेंट प्लस ई आ गया तो आपको क्या करना है ई को रिमूव कर देना है रिमूव कर देना है तो आपको आई एन जी लगा देना जैसे कमिंग है तो इसमें जो है ई को रिमूव कर दिया है सी ओ एम आई एन जी लगा दिया हैविंग था लास्ट में ई था तो उसमें भी आई एन जी जोड़ दिया ई को हटा के ठीक है तो ऐसे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं उसको भी आप कर लेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर राइड है ठीक है तो इसमें जो है लास्ट में आई है ई है वा पहले क्या था वाबिल था कॉन्सोनेंट था प्लस ई आ गया तो इसमें आपको फिर आई एन जी ई को हटाना है अगर ऐसे इस सेट में आया तो ई को हटा दीजिएगा राइडिंग लिख दीजिएगा आर आई डी आई एन जी आर आई डी आई एन जी लिख देंगे राइडिंग टेकिंग यहाँ पर टेकिंग ई हटाएंगे आई एन जी जोड़ेंगे मेकिंग में ई हटाएंगे आई एन जी जोड़ेंगे तो इस सेंटेंस बनाना है आई एम राइडिंग बुक आई एम टेकिंग क्लास वी कैन से दैट आई एम टेकिंग एनीथिंग यू कैन से दैट आई एम मेकिंग चपाती आई एम स्माइलिंग इन द क्लास ठीक है आई एम स्माइलिंग इन द क्लास तो ऐसे आप कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो उसमें कुछ है नहीं ई को हटाना आई एन जी जोड़ देना और उसमें आप सेंटेंस कर देना आई एम राइडिंग बाइक आई एम टेकिंग क्लासेस आई एम मेकिंग फन ऐसे आप बना सकते हैं आसान है दोस्तों ठीक है वी हैव टू गो पार्ट सी फ्रेंड्स ओके सो पार्ट सी इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर यू सो कम्प्लीट विथ ओ क्लॉक पार्टनर जब आपको ओ क्लॉक पार्टनर जो हो उससे आपको कम्प्लीट करना है विथ ओ क्लॉक पार्टनर यूज एंड राइट नोट पैड सो देखिए क्या दिया है थिंक ऑफ योर ड्रीम जॉब सो यू हैव टू बी थिंक योर ड्रीम जॉब आप कोई ड्रीम जॉब होगा ठीक है एंड इमेजिन योर सेल्फ डूइंग दैट जॉब अगर इमेजिन करिए वो जॉब आप कर रहे हैं और राइट फाइव सेंटेंस डिस्क्राइब दैट वाट आर यू डूइंग एट वर्क जैसे यू वॉन्ट टू बिकम लाइक एनी आई एस अफसर ठीक है एयरफोर्स यू वॉन्ट टू बिकम द पायलट सो आप क्या करेंगे तो आप पहले आपको पहले आई वॉन्ट आपको ड्रीम जॉब है
एयरफोर्स बनना तो ले सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम पायलट, देन लाइक डूइंग पायलट आई एम, उस एट वर्क आप क्या कर रहे हैं, सो आई एम बियरिंग माई, आई एम बियरिंग वॉट, आई एम बियरिंग माई क्लोथ्स, माई वी कैन से दैट वर्दी को क्या कहते हैं, सो आई एम बियरिंग माई वर्दी एंड आई एम गोइंग माई, आई एम गोइंग टू टेक अप माई पायलट, एनी थिंग रिलेटेड विथ पायलट यू हैव टू बी यू राइट इट वर्ड्स, एंड आपको आई एन उसको आई एन जी फॉर्म में जोड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, मतलब कि जैसे जैसे आप आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे तो उसको यूज करिएगा। और देखिए आप अगला क्या है, फाइव पर्सन को लिखना है, बना लेंगे आप दोस्तों, आप ड्रीम जॉब क्या है वहाँ पर, जैसे ड्रीम जॉब करते हुए आप क्या कुछ कर रहे होंगे उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए पीयर चेक, सो पीयर चेक आप एक्शन वर्ड, तो जैसे आपने अपने पीयर को जो बुक चेक करेंगे तो वो उसको देखेंगे, सबको अपना बदल दिया जाएगा वो, तो उसको देखेंगे एक्शन वर्ड उसने यूज किया है, अगर यूज किया तो आप टिक करेंगे यस, अगर यूज नहीं किया तो एक्शन वर्ड जैसे क्लाइम कुक ये सब आपका एक्शन वर्ड हो गया, अगर यूज किया है तो ठीक है, नहीं यूज किया तो नहीं कर देंगे ठीक है। यूज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस, उसने प्रेजेंट ऑफ कंटिन्यूअस टेंस यूज किया, अगर यूज किया है तो लिख देंगे यस, नहीं यूज किया है तो नहीं कर देंगे। कैपिटलाइजेशन इन द बिगिनिंग सेंटेंस, उसने का बिगिनिंग सेंटेंस में कैपिटलाइजेशन का प्रयोग किया है कि नहीं, अगर किया है तो यस कर देंगे, नहीं किया तो नहीं कर देंगे ठीक है। यूज ऑफ कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सप्लेनेशन मार्क इन द एंड ऑफ सेंटेंस, क्या उसने क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेनेशन मार्क और कॉमा का यूज किया है, अगर हाँ उसने यूज किया है देन यू कैन टिक कर सकते हैं सही पे ठीक है। मोस्ट स्पेलिंग इज करेक्ट, मैं अगर इनकरेक्ट इनकरेक्ट कर दीजिएगा। आई कैन रीड ऑल द, आई कैन रीड ऑल दैट इज रिटन, अगर आप रीड कर पा रहे हैं तो लिख देंगे यस, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द रिटन यस, तो ऐसे ही यही था ठीक है। सो रिफ्लेक्शन, हाउ इज योर राइटिंग स्किल इम्प्रूविंग, सो आप रिफ्लेक्ट करेंगे क्या आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। राइटिंग स्किल मतलब क्या है, आप वाइल राइटिंग यू हैव टू फॉलो सम थिंग्स लाइक कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन एंड क्वेश्चन मार्क, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सो यू हैव टू फॉलो मेनी थिंग्स वाइल राइटिंग। सो अगर आप इम्प्रूव हो रहा है, आपका राइटिंग इज क्लियर हो रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।